हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। होपफुली एवरीवन इज फाइन एंड डूइंग गुड। सो एवरीवन, स्टार्टिंग एंड कंटिन्यूइंग विद द कंपैरेटोमीटर सीरीज एंड स्टार्टिंग विद टुडे सेशन, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट जितनी भी सेशंस मैंने आप लोगों के लिए रेडी किए हैं इस पूरी सीरीज में, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप बेशक मैच करके भी देख सकते हैं, मैक्सिमम लाइफ साइंस की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको वहीं से ही सवाल मिलेंगे। सो कंपैरिजन करते टाइम कंपैरोमीटर सीरीज इसलिए रखा था मैंने नाम, बिकॉज कुछ चीज़ें साउंड जो हैं सेम होती हैं, या फिर हो सकता है कि एक ही कैटेगरी का ही पार्ट हो, तो उनको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं आज के सेशन के बारे में बात करूँ तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करें। सो एवरीवन, वन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है अबाउट बी सेल एंड टी सेल का डिफरेंस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप सिग्नलिंग या इम्यूनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो बी सेल एंड टी सेल क्या है? लिम्फोसाइट्स हैं। आपने डेफिनेटली अपनी छोटी क्लासेस में, ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में लिम्फोसाइट्स के बारे में सुना होगा। लिम्फोसाइट्स क्या है? एक तरीके की इम्यून सेल ही हैं, एक तरीके के एक टाइप के WBC हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने में बहुत मदद करते हैं और अलग अलग इन्फेक्शन से एंड डिसीजेस से लड़ने की हेल्प करते हैं। अब हम इसमें बहुत तरीके के लिम्फोसाइट्स देते हैं, जिसके लिए अगेन मैं आपको एक मास्टर टेबल दूंगी एंड उसका फंक्शन आपको याद करना है सभी सेल्स का। लेकिन मेजर कैटेगरी में हम दो कैटेगरीज यहाँ पर देखते हैं, वो दो कैटेगरीज हैं बी सेल एंड टी सेल की। इनके रिसेप्टर्स पर भी क्वेश्चंस आते हैं, एक्टिवेशन पर भी आते हैं एंड बेसिक व्यू पर आपको इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। बी सेल्स कॉल्ड बोन मैरो सेल्स, क्योंकि जो डेवलपमेंट है हम वो बोन मैरो से ही देखते हैं। एंड टी सेल में हम इनको थाइमस सेल बोलते हैं, टी फॉर थाइमस, बी फॉर बोन मैरो, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज में ज्यादा परसेंटेज आपको टी सेल्स का मिलेगा, क्योंकि इसमें हम टाइप्स और वैरायटीज बहुत देखते हैं। 20% ऑफ ब्लड लिम्फोसाइट्स आर बी सेल, यानी कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। बी सेल में हम देखते हैं कि अगर हम इम्यूनिटी की बात करें, यानी प्रतिरोधक क्षमता की बात करें, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहीं पर भी हम एंटीबॉडीज की बात करते हैं, IgG, AMD, E या फिर उनके सब टाइप्स, तब हम ह्यूमरल इम्यूनिटी का रोल देखते हैं। लेकिन अगर कमांड पूरी की पूरी सेल के हाथ में है, कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है जिससे सेल लड़ रहे हैं, तो एंड वहां पर एंटीबॉडीज का रोल नहीं है, तो हम वहां पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो टी सेल में हम ये सिनेरियो देखते हैं। अगर हम लाइफ स्पैन को कंपेयर करते हैं तो बी सेल का टी सेल के कंपेरिजन में एक छोटा लाइफ स्पैन है, बिकॉज एवरी वन ऑफ यू, हम सभी को पता है कि हर सेल, अगर एक आप हर हेल्दी सेल की बात करोगे तो वहां पर जो है एक लाइफ स्पैन जो है वो जुड़ा होता है। तो अगर आप बी सेल की बात करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आप 5 से 6 वीक्स का, ठीक है, इतना एक लाइक मैच्योर बी सेल की अगर आप बात करोगे तो इतना लाइफ स्पैन रहता है। जबकि अगर हम टी सेल की बात करें, वैसे देखिए टी सेल में क्या है कि बहुत सारे टाइप्स हम देखते हैं, तो यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा ज्यादा है, 30 से 160 डेज तक का भी सिनेरियो हम यहाँ पर देखते हैं। मतलब कि एज कंपेयर टू बी सेल थोड़ा सा लाइफ स्पैन जो है वो ज्यादा है। क्या बी सेल के कुछ टाइप्स भी आप देखते हैं? बिल्कुल आप देखते हैं टाइप्स, क्योंकि यहाँ पर आप डिफ्रेंसिएशन के बाद बी सेल को प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल में टाइप फॉर्म में आता हुआ देखते हैं, जिसमें प्लाज्मा सेल का मेजर काम होता है एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन, जबकि मेमोरी सेल क्या करते हैं, वो याद रखते हैं कि कौन सा एंटीजन आया था, मतलब एक मेमोरी साथ में रहती है। ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम बात करें तो टी सेल में हमें टी हेल्पर सेल, टी सी सेल एंड सप्रेसर टी सेल की हम बात करते हैं। वैसे अगर आप और ज्यादा डिफरेंशिएट करें और कैटेगरीज में डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ पर टी हेल्पर वन सेल, TH1, TH2, TH17 इस तरीके के सेल्स मिलते हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टी सी सेल भी बोलते हैं, जिसका रोल हम काफी जगह देखते हैं।
अगर हम बात करें सप्रेसर टी सेल की, काफी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन इन सेल्स का काम है अदर टी सेल्स की एक्टिविटीज को रिड्यूस करना जब भी जरूरत है। ठीक है, रेगुलेटरी टी सेल्स भी बोलते हैं, सप्रेसर सेल्स भी बोलते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने में ही काम करते हैं। बी सेल के ऊपर रिसेप्टर है, बिल्कुल बी सेल का अपना पूरा एक रिसेप्टर है, उसके लिए हम अलग से भी वीडियो करेंगे जब हम बीसीआर और टीसीआर को कंपेयर करेंगे। बट ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है, दिस इज अ मास्टर स्लाइड जिसमें हम दोनों को बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ मास्टर चार्ट्स भी देती हूँ जो कि एडिशनली आपकी हेल्प करेंगी इम्यूनोलॉजी के कुछ मेजर टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरीवन, यहाँ पर बहुत अच्छा एक मास्टर स्लाइड है, दिस इज अ मास्टर स्लाइड जहाँ पर बी सेल, टी हेल्पर सेल, टी सी सेल, रेगुलेटरी टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल, अगेन लिम्फोसाइट्स के टाइप्स जो हैं वो गिवन है अलॉन्ग विद द इफेक्टर फंक्शंस एंड एंटीजन रिकग्निशन। बी सेल कैसा एंटीजन रिकग्नाइज करता है? सॉल्यूबल एंटीजन। टी हेल्पर सेल क्या करेगा? एपीसी द्वारा कोई भी एक सेल है, जैसे बी सेल है, वो क्या करता है? अपने सरफेस पर एमएससी 2 की मदद से एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो एंटीजन रिप्रेजेंटेड बाय प्रोफेशनल एपीसी, टी हेल्पर सेल उसी को पहचानेगा। टी सी सेल किस कब काम करेगा? जब कोई इन्फेक्टेड सेल है या ट्यूमर सेल है या कैंसरस सेल है उसके द्वारा कोई एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है, तब टी सी सेल एक्शन में आएगा। रेगुलेटरी टी सेल या सप्रेसर का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, कोई एंटीजन रिकग्निशन फंक्शन नहीं है, दूसरे टी सेल्स को रिकग्नाइज या हेल्प करने में मदद करता है। हेल्प करने में इन द सेंस उनकी फंक्शनैलिटी को सप्रेस करने में अगर नीड है तो मदद करता है, एक तरीके से रेगुलेशन करता है। नेचुरल किलर सेल सेल्फ एंटीजन, फॉरेन एंटीजन को होस्ट सेल्स पर पहचानता है विद द हेल्प ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ MHC1 मॉलिक्यूल। बी सेल का क्या काम है? पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करना, फेगोसिटोसिस करना, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेशन करना। टी हेल्पर सेल का काम है मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करना, क्योंकि ये साइटोकाइंस रिलीज करते हैं टी हेल्पर सेल्स। टी और बी सेल्स को प्रोलिफरेट करना, एक्टिवेट करना या इन्फ्लामेशन एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, ये टी हेल्पर सेल का काम है। अगर इन्फेक्टेड सेल है या कैंसरस सेल है उसको एलिमिनेट करना टी सी सेल का काम है। रेगुलेटरी का काम मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एंड एनके का काम भी ऑलमोस्ट टी सी के जैसा ही है, इन्फेक्टेड और ट्यूमर सेल्स का एलिमिनेशन एनके सेल करता है। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी वन ऑफ यू, बिकॉज क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें यही सब पूछा जाता है, फंक्शनैलिटीज के बारे में, मार्कर्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। सो मेक श्योर इसको आप बहुत अच्छे से कर लें। बाकी जहां पर कोर डिफरेंसेस की जरूरत पड़ेगी, जैसे रिसेप्टर में या स्पेसिफिकली टी हेल्पर सेल में, टी सी सेल में या एमएचसी मॉलिक्यूल्स में, तो उसके लिए वी विल बी डूइंग अनदर सेशंस आल्सो। एवरी वन ऑफ यू, ये भी एक मास्टर स्लाइड है जिसमें बी लिम्फोसाइट का बहुत 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 सुंदर डायग्राम गिवन है, जिसमें उसके रिसेप्टर्स भी मेंशन है। एवरी वन ऑफ यू, बी सेल रिसेप्टर मेंशन है, एंड अगेन टोल लाइक रिसेप्टर्स भी आप देख सकते हैं। ईच वन डू हैव इट्स ओन फंक्शनैलिटी। जब मैं रिसेप्टर के ऊपर वीडियो आपके सामने लाऊंगी, जहाँ मैं बी सेल का और टी सेल के रिसेप्टर्स को कंपेयर करूंगी, वहां पर हम एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये भी एक बहुत सॉर्टेड सा डायग्राम है। टी हेल्पर सेल है, CD4 प्रेजेंट है, टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट है जो MHC2 मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। टी सी सेल है, CD8 प्रेजेंट है एंड ये MHC1 से बाइंड करता है, टी सेल का रिसेप्टर। टी रेगुलेटरी या सप्रेसर सेल है जिस पर CD4 है एंड एडिशनली CD25 भी देख रहे हो एंड टी सेल रिसेप्टर भी देख रहे हो जो बाकी के टी सेल्स का रेगुलेशन करता है। मेक श्योर चीजें आपके लिए इंफॉर्मेटिव है या नहीं है, बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा। ऐसे ही हम कंपैरामीटर सीरीज को करते करते जो टॉप मोस्ट, आई विल बी ट्राइंग टू कवर टॉप मोस्ट 100+ टॉपिक्स जो कि आपके लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल रहेंगे अगर आप किसी भी लाइफ साइंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वन मोर थिंग, इन केस यू आर न्यू एंड यू डोंट नो, तो आप जो है नेहा तनेजा नाम से मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आई एम वन ऑफ द प्लस एडुकेटर सिंस लास्ट 5-6 ईयर्स, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर CSIR NET एंड अदर एग्जाम्स लाइफ साइंस के प्रिपरेशन के लिए। साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक
जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मेंशन किया है वो भूलिएगा मत, उस पर आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा सो दैट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। यहाँ पर आप मुझे कम्युनिटी पर भी फॉलो कर सकते हो बहुत सारी फ्री क्लासेस के लिए एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स के लिए।